अनुवाद, वह न जागता है न मरता है न। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरिओम नार। अष्टावक्र गीता प्रकरण 17 सूत्र 10 अनुवाद, वह न जागता है न मरता है न पलक खोलता है न पलक बंद करता है। अहो मुक्त चेतस्य की कैसी परम उत्कृष्ट दशा होती है। अनुवाद करें व्याख्या, मुक्त चेतना वाला व्यक्ति उस विराट का अनुभव कर लेता है जिससे उसके समस्त सांसारिक कर्म जो वासना तृष्णा इच्छा राग द्वेष अहंकार तृप्ति आदि के लिए किए जाते हैं छूट जाते हैं, ये छूट जाते हैं, वह सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ऐसा व्यक्ति न जागता है न सोता है न पलक खोलता है न बंद करता है, अर्थात ये क्रियाएं शारीरिक है, ये क्रियाएं शारीरिक हैं जो स्वभाव से अपने आप होती है। ज्ञानी आत्मवत होने से वह इन्हें करता नहीं, वह इन सबसे दूर खड़ा होकर देखता मात्र है, ये शरीर के गुण धर्मों से हो रहे हैं। आत्मा इन सबका दृष्टा है, ज्ञान की यही परम दशा है। चेतना की 4 दशाएं हैं, जागृति स्वप्न सुषुप्ति एवं तुरीय। अहंकार में फिर से पढ़ते हैं, जागृति में अहंकार कर्ता भाव होता है, स्वप्न में यह क्षीण हो जाता है, सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाता है, चौथी तुरीय अवस्था में व्यक्ति मिट जाता है, परमात्मा ही रह जाता है। यह सूत्र इसी परम दशा का है, यह सूत्र इसी परम दशा का है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरिओम नारायण।